ये सामने है टिकट काउंटर यार, ऊपर बताना तो भूल ही गया। सोचो यार इतने ऊपर से कैसे लोगों ने बनाया होगा। बौद्ध केव्स में पहली गुफा से लेके 12वीं गुफा में देखा ना, सबसे अच्छी गुफा मुझे ये 12वीं गुफा का तीसरा मतलब लगा। ठीक है, लाइट आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी बौद्ध भिक्षु की मेडिटेशन करते होंगे भाई, मैं खुद करता हूँ यार फिर भी भूल जाता हूँ। देखो ये सामने कुछ केव्स है, लेकिन एक नंबर से लेके 6 नंबर तक जाने के लिए इधर से अंदर जाना पड़ेगा। तो वेलकम 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 बैक टू अनदर ब्यूटीफुल प्लेस ब्रो। देख लो हमें एलोरा केव्स में, और सुबह के बजे हैं 7:52 भाई, और भीड़ देख लो बहुत से लोग आए हुए हैं भाई। तो हम शुरू करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर है 34 केव्स, तो शुरू करेंगे पहले से। तो ये जो सामने है ना, यह है कैलाश टेम्पल, इसका तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं कैलाश टेम्पल की तरफ से। और ये जो 1 से 15 केव्स की तरफ जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा भाई। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोग आए हुए यार, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब मुझे लगा था कोई मिलेगा नहीं, सुबह जल्दी शूट कर लूँगा मैं और चले जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है मुझे। और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ मुझे ना, मैं जब लोगों को देख लेता हूँ ना तो यार नर्वस हो जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ सही से, मुझे सोचना पड़ता है फिर। बाकी तो यार है, देख लो। इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो 1 से 15 तक के केव्स इसी रास्ते में है यार। ऐसे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, कितने नंबर की, ये 15 नंबर की गुफा है सामने, लेकिन हमें जाना है 1 नंबर, तो 1 नंबर इधर ही है। और 1 से 13 तक, मेरे ख्याल से 12 तक बौद्ध केव्स है, उसके बाद 13 से 29 तक हिंदू केव से, और 30 से 34 तक जैन केव से। और ये देख लो ये सामने, ये 14 नंबर, वो 13 नंबर, यहाँ से हिंदू शुरू होते शायद। तो पहले शुरू से अपन बौद्ध केव्स देखेंगे, उसके बाद फिर हिंदू केव्स की तरफ भी आएंगे भाई। कहा जाता है कि यहाँ पर है ना ऑलरेडी और भी इन 34 के अलावा और भी 100 के करीब ऐसे केव्स है जो अधूरी छोड़ी गई थी, मतलब पूरी नहीं कर पाया, उसका काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो पत्थर कमज़ोर था या फिर कुछ कारण होंगे जिसके वजह से उसे पूरा नहीं किया गया। कि ये भी एक सामने केव से भाई, ये नंबर 12 है, ये लास्ट बौद्ध केव है, यहाँ पे शायद वो लोग खाना खाते थे ऐसा कुछ। बाकी ये शुरुआत होंगी, वो देखो फर्स्ट केव सामने बिल्कुल मेरे हाथ के सामने, ये देख रहे हो सामने बहुत से बंदर है भाई, ये देखो ये इधर। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था मांगीतुंगी में, मैं ना यार बंदरों के सामने कोई भी चीज़ अगर खाने की चीज़ अगर निकाल लो ना तो आपका पीछा करेंगे, और अगर आप उसे नहीं दे रहे हो तो आपकी बैग लेके भाग जाएंगे। मेरे साथ ये हुआ था मांगीतुंगी में भाई, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो। देख लो ऊपर बैठे बहुत ज़्यादा है, ये भी एक सामने केव से, ये नंबर नहीं पता है मुझे, तो वो है फर्स्ट। तो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ से शुरू करेंगे अब। ये कुछ केव्स है, लेकिन 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक जाने के लिए इधर से अंदर जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे पानी गिर रहा है भाई ऊपर से, देखो थोड़ा सा पानी गिर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार है। वो सामने है फर्स्ट नंबर की, और ये भी कुछ केव्स, इसमें हर केव्स में अंदर जाएंगे अपन और देखेंगे डिटेल के साथ। और ये भाई फर्स्ट पहली केव जिसमें यहाँ शुरुआत में पानी के लिए स्टोरेज के लिए जगह है भाई, यहाँ पे पानी पी भी सकते इतना साफ पानी। और है ऊपर जाएंगे यार अपन, मेरे ख्याल से जूते उतार लूँ, मैं हर केव में जूते उतार के जाने वाला हूँ, तो हर जगह पे मैं बताऊँगा नहीं कि जूते उतारे हैं। देखो यार ये मेरे ख्याल से कुछ है ना अंदर, मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं यार मेडिटेशन की जगह होंगी शायद, ये फर्स्ट केव है बौद्ध केव है, मेडिटेशन की जगह है। और सोचो यार इतना कठिन पत्थर को काट के बनाई है ना, ये पत्थर बहुत कठिन है यार, और छन्नियाँ तोड़ो इसे मार मार के आज से 1400-1500 साल पहले ये चीज़ें बनाई गई है। पूरे खाली रूम है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते होंगे, ये उनकी रहने की जगह होंगी, और ये यहाँ पर वो बैठते होंगे प्राणायाम करने या कुछ भी उनकी जो विधि होंगी वो करने के लिए।
तो ये है फर्स्ट केव। अभी सेकंड केव में जाएंगे यार, जो बिल्कुल इसके बाजू में, बिल्कुल ये एक नंबर की केव और ये दो नंबर की केव है भाई, देख लो बाहर से। और अभी जाएंगे ऊपर, मतलब यार देखो यार, हर जगह पे मूर्तियां पत्थर को काट के बनाए गए, हर ये बौद्ध है, ये बौद्ध मूर्तियां हैं, मतलब ये बौद्ध के स्ट्रक्चर हैं। देखो ये बाहर से और अंदर है, वाह यार सही है ब्रो। यहाँ बौद्ध धर्म विहार, ये बौद्ध धर्म विहार 8वीं सदी में बनाया गया था यार। लाइट होनी थी यहाँ पे, बहुत सी मूर्तियां है भाई देखने जैसी। रुको मैं फ्लैश लगाता हूँ अपने, देख रहे हो, देखो ये सब पत्थर को काट के बनाई गई है यार, ये लाइट लगाने होना यार इन्होंने, देखो। और यहाँ से ऊपर भी जा सकते, शायद अभी ऊपर का रोड उन्होंने बंद कर दिया है, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। और ये देखो, और सबसे मजेदार बात बताऊं, इसके अंदर सबसे बड़ी स्टैचू है बौद्ध की, शायद आप देख पा रहे या नहीं, अंधेरा होने की वजह से सही से दिख नहीं रहा, और सामने भी है, हर जगह पे हर कोने में बनाई गई है भाई। और ये खंभे देखो, ये पत्थर से बनाए गए, इसके ऊपर नक्शी काम है यार, देख लो। और आवाज ऐसी गूंज रही, वाह यार सही में यार मजेदार चीज है यार। मैं यहाँ पे दो, देखो ये नंबर दो की केव है, शायद ऊपर का रास्ता है, देखते हैं क्या है क्या नहीं, ऊपर तो बंद है मेरे ख्याल से, आवाज गूंज रही है यार। और ये देखो पत्थर को इतना सही तरीके से काटे है ना, ये क्या बताऊं, नहीं ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे कोई जो बौद्ध भिक्षु होंगे ना वो रुकते होंगे यहाँ पे, पुजारी, जो इस मंदिर के पुजारी होंगे ना, तो उनके लिए वो जगह है ऐसा। चलो बिल्कुल नंबर दो केव्स के बिल्कुल बाजू में नंबर तीन, और उसमें भी यार सब ऐसे हाथों से मूर्तियों को बनाया गया है, जो बौद्ध मूर्तियां हैं। देखो यार यहाँ से, ठीक है यार लाइट आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे भी बौद्ध भिक्षु की स्ट्रक्चर है भाई, नंबर तीन केव है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रहने के लिए जगह है, जा समझ लो जैसे कि वो सुबह क्या बोलते यार उसको, यार मैं भूल जाता हूँ यार, मेडिटेशन करते होंगे भाई, मैं खुद करता हूँ यार फिर भी भूल जाता हूँ। देखो ये सामने बौद्ध जी बैठे हैं, और ये कुछ जैसे कि यार अभी थोड़ी सी मूर्तियाँ तो ये हो चुकी है, खराब हो चुकी है बहुत सालों से यार, 1400-1500 साल से बिना कुछ उसके ऊपर मतलब काम नहीं किए, ये सारी चीज़ें जैसे कि वैसे रहना मुश्किल है, इसलिए थोड़ी सी तो खराब होनी ही। लेकिन देख लो यार, ये बात सोच सकते हो कि तुम पत्थर को अंदर से पूरी तरह से काट कर बनाई गई है। और मजेदार बात है इसकी कि यहाँ पे जो कैलाश मंदिर है ना, उसको तो पूरे एक बड़े पहाड़ को काट के बनाई गई है, बनाया गया है वो मंदिर भाई। देखो अभी जाएंगे नंबर फोर में, बिल्कुल नंबर तीन के बाजू नंबर फोर, ये है शायद नंबर फोर, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है शायद, नंबर दो नंबर फोर ये सबसे प्रसिद्ध है बौद्ध इसमें बौद्ध केव्स में, जो 1 से 12 के बीच है, नंबर दो नंबर चार नंबर पांच ऐसे कुछ है। देखो इसमें भी इसकी बौद्ध की मूर्ति है, देखो यार ये कुछ बाकी पत्थर पे नक्शी काम, ये सारी चीजें बड़ा खूबसूरत है यार ये। ओके चलो नंबर पांच की तरफ बढ़ते, देखो यहाँ से पानी गिर रहा है भाई, कितना खूबसूरत लगता होगा बारिश के टाइम, बिल्कुल ऊपर से ऐसा झरना गिरता होगा तो बहुत मजेदार लगता होगा। ये है नंबर, अभी यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे नंबर पांच। यार ये वीडियो कितना बड़ा बनेगा मेरे को पता नहीं,
लेकिन यार इसको बनाएंगे अपन नंबर 5। देखो हाँ ये है भाई वो जहाँ पे मेरे ख्याल से लोग नंबर 5 की गुफा आई है और इसमें बौद्ध भिक्षु खाना खाते थे शायद। ये देख लो कितनी विशाल गुफा है, सोच सकते हो भाई कितनी विशाल। मैं तो ये सोच के मतलब मैं तो यही चीज सोच रहा हूँ कि ये लोग यार कितने पेशनेट, मतलब कितने पेशन के साथ, कितने अपने पास, मतलब बता नहीं सकता यार इतना बारीकी से काम करना कितना खतरनाक है। ये सामने एक मूर्ति वापिस, यहाँ पे भी बौद्ध बैठे हैं देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कुछ सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन सोच सकते हो कितनी बड़ी केव है यार ये, तकरीबन 100 मीटर की, यहाँ से इतना अंदर काट डालना पत्थर को, कितने पेशेंस के साथ वो लोग काम करते होंगे। भाई अंदर से देखना चाहता हूँ मैं क्या है। ओहो पूरा एक रूम के जैसा है भाई, देख पा रहे हो। देखो यार एक चीज बताता हूँ, देखो ये सामने है रूम, ये भी रूम है, ये भी रूम है जो बौद्ध भिक्षु के रूम होंगे। अभी देखो यहाँ पे भी एक रूम बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन पत्थर ज़्यादा मजबूत होने की वजह से उसको बनाना छोड़ दिया है ना। इधर भी बनाए गए, मतलब जहाँ पर भी पत्थर कमज़ोर एकदम मजबूत था या फिर कमज़ोर था तो उन्होंने वहाँ बनाना छोड़ दिया। ये एक इस गुफाओं के मतलब एक एलोरा गुफाओं का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये 34 के अलावा 100 से ज़्यादा गुफाएँ बोली जाती है कि हाय ऑलरेडी। भाई नंबर 6 बिल्कुल नंबर 5 के बिल्कुल साइड में, जिसके कमरों को पैक कर दिया गया है, जो कि मैंने अंदर बताया वैसे ही कमरे हैं। देखो अंदर जाएंगे यार, इसमें भी यहाँ पे भी सेम मूर्तियां है यार, हर जगह पे सेम दिखता है कुछ। ये भी है सेम ही है जैसे कि अपन ने 4 में देखे थे वैसी गुफा ही है ये, कुछ नक्शी काम भी सेम है शायद, मैंने वहाँ पे गौर से नहीं देखा, अभी देखूंगा मैं। देखो नक्शी काम, ये खंभे बनाए भाई और ये सब पत्थर को काट के, मतलब पत्थर के साथ ही जॉइंट ही है, और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए रूम थे। नीचे चला था लेकिन एक केव, मतलब नंबर 6 से नंबर 7 तक जाने का रोड यही से रास्ता, तो यही से जाएंगे भाई, नंबर 7 को देखेंगे। वाह ये और फिर ये वो रूम है, देखो यहाँ से उतरना पड़ेगा नंबर 7 के लिए, और ये रही नंबर 7। ये ओपन है भाई, सेम है ये, सेम बौद्ध जी की मूर्ति है। ये नंबर 9 है, नंबर 7 का है वो है नंबर 7, नंबर 7 वो है, नंबर 8 इसके नीचे होंगे, मतलब नंबर 6 से आप सीधा नंबर 9 में आ सकते हो, नंबर 7 नीचे है, नंबर 9 ऊपर है। तो चलिए ये देखो इधर इधर नीचे से भीड़ देखी क्या, लोग बहुत सारे आए हुए हैं यार, और वीडियो बनाना बड़ा ही खतरनाक काम होता है। ये सब केव्स बनाई गई थी राष्ट्रकूट के जमाने में, और सबसे महत्वपूर्ण बात इनको बनने में बहुत सारा समय लगा था, और कैलाश मंदिर जो चीज थी वो 150 साल में बनी थी भाई, राष्ट्रकूट राजा राजेंद्र क्या कोई था यार। नंबर 7 छोटी सी गुफा है शायद ऊपर से आया, देखो यार ये नंबर 9 थी, देखो यार बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही हो, और ये नंबर 7 को अंदर से बंद कर दिया गया है, अंदर क्या है कुछ नहीं, वही है रूम जो बौद्ध भिक्षु के लिए रुकने के लिए जगह थी, बस कुछ नहीं बाकी। ये भाई नंबर 8, नंबर 8 कुछ ऐसी है, इसमें भी बौद्ध भिक्षु बौद्ध बैठे हैं यहाँ पे सामने, उनके साइड में कुछ लोग खड़े हैं। देखो यार कहा जाता है कि राजा कृष्ण के जमाने में बनाई गई थी ये राष्ट्रकूट सम्राट 6वीं या 7वीं सदी में, और जो कैलाश मंदिर है उसे बनाया गया था राष्ट्रकूट सम्राट राजा कृष्ण ने बनाया था, उसे उसके लिए उन्होंने धन दिया था।
तो उनके जमाने में बनी थी वो कैलाश जो केव बोलते उसे। हमने थे भाई 1 से 8 तक की केव्स इधर हैं, अभी ये 9 नंबर की, नहीं 9 भी ऊपर थी, अभी ये 10वें नंबर की केव है यहाँ से, जो कि एक विशाल केव है भाई, देख लो बहुत ही बड़ी। वाह यार, मतलब बहुत बड़ी, ऊपर जाने के लिए रास्ते है क्या नहीं, बंद कर दिए शायद, अंदर बच्चे जा रहे हैं छोटे स्कूल की कुछ ट्रिप आई है शायद। वाह ये विशाल केव भाई, नंबर 10। ये जो गुफा है ना भाई, ये एक में बौद्ध विहार है, मतलब एक में बौद्ध केव से यहाँ की जो 2 मंजिली है, मतलब 2 मंजिले इसके ऊपर, ये एक और एक ऊपर ऊपर जा सकते, ये नहीं पता मुझे। चलो यहाँ पे चप्पल तो निकाल लेते हैं, अंदर देखेंगे बौद्ध जी बैठे हैं, जो कि एक विशाल, इसे ही शायद मैंने इंटरनेट पढ़ा था, ये रावण केव्स क्या रावण गुफा ऐसा कुछ नाम दिया ले, देख लो यार। वाह यार, ऊपर से भी डिजाइन बनाए गए, मतलब सोच रहे हो, सोचो कि यार वो लोगों ने कैसे बनाया होगा कि यहाँ से आदमी ऊपर ऐसा जाके ये बनाए, सोच रहे हो। और ऊपर भी हर हर चीज को एकदम सेम तरीके से बनाया गया है, मूर्तियां है भाई यहाँ पर, हर जो डिजाइन बनाई गई ना उसके नीचे मूर्तियां बनाई गई है, देख लो। और कमाल यार, और इधर अंदर तो हर जगह पे मूर्तियां बनाई तो गई है। और ये खंबे, इसे रावण रावण कुछ नाम था यार, एक मिनट में देखता हूँ इसका क्या नाम था, इसे रावण की खाई बोला जाता है भाई, इसे रावण की खाई बोला जाता है इस गुफा को, देख रहे हो। और ये ऊपर क्या स्तूप, स्तूपा के क्या बोलते वो है भाई, माल यार मजेदार है। और ऊपर जा सकते हैं अपन, ऊपर जाएंगे यार, ऊपर जाने की जगह तो मुझे नहीं पता है कहाँ से, लेकिन ऊपर जरूर जाएंगे यार। देखो यार यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, इसे बोलते हैं रावण की खाई, ये बहुत बड़ी गुफा थी। वाह यार, ये वही बहुत और रहने के लिए, ये है ऊपर जाने की जगह, यहाँ से ऊपर जाके रावण की खाई जो गुफा है, जो एक में बौद्ध गुफा है जो 2 मंजिली है, जिसे 7वीं सदी में बनाया गया था, कास्य करके कुछ डेकोरेशन की परंपरा है उसके अनुसार बनाया गया था। देखो वाह यार, ये ऊपर से देख रहे हो, नीचे ये ऊपर, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे मेरे ख्याल से, अंदर अंदर सेम बौद्ध की मूर्ति होंगी, नहीं 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 अंदर नहीं, बौद्ध की मूर्ति नहीं भाई, ये अंदर से वो हॉल देख सकते हैं आप, देखो बड़ा सा वो डिज़ाइन, और यहाँ पे भी नीचे मूर्तियाँ बनाई गई, और ये कुछ यहाँ के ऊपर, वाह यार सब खूबसूरत है भाई। हाँ ऊपर कुछ है यार, ऊपर जा सकते क्या मेरे को नहीं पता। यार ऊपर बताना तो भूल ही गया, सोचो यार इतने ऊपर से कैसे लोगों ने बनाया होगा, वो देखो हाइट क्या है उसकी भाई साहब, मतलब वो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी जरूर थी कि वो इतने ऊंचे, मतलब इतनी हाइट पर भी कोरी काम कर सकते थे, पत्थर को काट के बारीकी से, मतलब सोचो कि कितने दिन लगते हैं ये एक छोटी सी मूर्त बनाने के लिए, ये जो ये बनाया गया है ये बनाने के लिए कितना समय लगता होगा एक छोटी सी मूर्त बनाने के लिए, ये देखो ऐसी, तो ये यहाँ पर बनाया गया भाई, ये यहाँ पर, सोच रहे हो यहाँ पर भी डिजाइन है, तो कमाल था यार। और देखो ये पत्थर को ऊपर से कितना सही तरीके से बनाया गया, मतलब ये डिजाइन थी, प्रॉपरली डिजाइन बनाई गई थी उन्होंने, खूबसूरती से बनाया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ मूर्तियों को देखो कैसा, कुछ डेंट, मतलब यार हर एक की गर्दन टूटी हुई है, समझ रहे हो इसके पीछे का क्या कारण होगा, देखो गर्दन है कुछ ये
बाकी बड़ी बड़ी मूर्तियों का तो कुछ नहीं किया, हाथ तोड़े गए, हाथ टूटे टूट गए होंगे शायद समय के साथ, समय के साथ खराब हो गई है भाई मूर्तियाँ। किसी की गर्दनें, किसी ने ऐसा लगता है कि किसी ने गर्दनें मतलब जो मुंह रहता वो हटक से भी तोड़ा है, बाकी तो चलते रहता है। चलो चलो यार, नंबर 10 से तो निकल गया मैं। ये कुछ है देखो यार सामने, उसे एक बार देख लूँ। चलो यार मैं वो देख लेता हूँ। अभी तो इधर कुछ भी लोग नहीं है भाई, पूरी तरह से खाली है ये इलाका। ये सामने है 10 नंबर की यार। देखो ये कुछ है भाई, जैसे कि हाँ ये टोटल केव्स के बारे में लिखा गया है कि कहाँ से शुरू होती है। नंबर 1, 2 बाजू बाजू में 16 की सबसे बड़ी केव बताई गई है जो कैलाश केव है। नंबर 16, 17, 18, 19, 20 बाजू बाजू में है, 25, 27, 29 तक बाजू बाजू में है, पर 29 के बाद 30 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है भाई। जो जैन केव है 30 से जैन शुरू होती है, जिसे छोटा कैलाश कहा जाता है, छोटा कैलाश। और ये क्या है यार, परशुनाथ केव्स यार, मेरे को पढ़ते भी नहीं आता भाई, सीख लेने होना था, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी होनी थी। तो बाकी अभी नंबर 11 पे जाएंगे यार। नंबर 11 ये जो है ना, ये भी 3 मंजिली केव है, जो बौद्ध केव है 3 मंजिली, जिसमें मेरे ख्याल से बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और मेरे ख्याल से ऊपर जाना तो बंद है। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया यार, इसमें बाकी कुछ है नहीं, कुछ सामने एक बौद्ध स्ट्रक्चर बना गया है जो मूर्ति है। हाँ ऊपर जा सकते भाई, तो ऊपर जाके देखेंगे, अंदर से तो सब बंद है। देखो यार ऊपर पहाड़ को काट के वहाँ पे भी डिज़ाइन बनाएगी, मूर्तियाँ बनाएगी। ओह देखो यार इधर से नहीं ऊपर जाते, वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए पेशी भी बनाए गए हैं वहाँ से। तो चलो यार वहाँ जाते हैं। मूर्ति है भाई, सेम बौद्ध की मूर्ति है, जो मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी मूर्तियाँ देखी ना अभी बौद्ध की, उसमें ये पहली ऐसी मूर्ति है जो मौन अवस्था में बैठी है, जो प्राणायाम करते हैं ना उस अवस्था में। बाकी यार ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाके ऊपर से देख लेंगे क्या है, मेरे ख्याल से ऊपर कुछ है नहीं। और ये जो बनाई गई ना भाई, ये पायरिया ये अभी नहीं बनाई गई है, देख लो कितनी चिकनी है, कितनी सही है, ये सब पुरानी है भाई, और ये देखे अधूरी छोड़ी गई, ये पूरी नहीं हो पाई होंगी क्योंकि ये पत्थर कठिन लग गया होगा अंदर से। देखो वाह यार सब सेम है, ये फिर रूम बनाए गए जिसमें बौद्ध है, देख सकते एक विशाल मूर्ति भाई बौद्ध की, जो मौन अवस्था में बैठे, कितनी विशाल मूर्ति बौद्ध की। ओ बापरे, और अंदर से कुछ मूर्तियां बनाई गई है लेकिन दिख नहीं रही है भाई, देखो अंदर से। मेरे ख्याल से जो भी है ना यहाँ पे, ये ऊपर की साइड सेम तरीके से मूर्ति बनाई गई, मतलब सेम जैसे फर्स्ट मूर्ति मैंने देखी थी ना नीचे, वैसा ही ऊपर का भी। तो नंबर 11 की एक मिनट बंद कर ले, ठीक है। चलो ये देखो एक सामने एक लास्ट मूर्ति, ये नंबर 11 की जो केव है ना वो बिल्कुल सेम है यार, मतलब सेम मूर्तियां बनाई गई है, जो नीचे है वैसी ऊपर मूर्तियां हैं, सेम तरीके से, कोई डिटेल चेंज नहीं, सेम डिटेल। और बहुत यार खूबसूरत, बहुत यार देखने जैसी चीज है यहाँ पे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर केव के बारे में, मतलब जो ये है ना, सॉरी यहाँ पे और तीसरे मंजिले पे जा सकते भाई यहाँ से, तो ये देखो तीसरे मंजिले पे भी जाके आएंगे। जूनी सीढ़िया है भाई, अरे यार गिरने का डर। मेरे ख्याल से ऊपर बड़े बड़े हॉल है और पीछे मूर्ति है, ये तीसरा मंजिला है, तीसरे मंजिले पे भी देख लो सब ऐसी मूर्तियां हैं। और यहाँ पे एक विशाल हॉल है भाई, जहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत भिक्षु रहा करते थे, प्राणायाम करते थे, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठ के वो अपना लेक्चर या कुछ भी करते होंगे। कमाल यार, मुझे डर नहीं लगता, एक बात अच्छी मेरी,
क्योंकि यहाँ पे आवाज ही चल रही है। अकेला हो गया अरे केव पे तीसरे नंबर पे देख लो। और ये ऊपर से नीचे कर रहा है सारा। वाह यार बहुत केव थी। मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत जो भी केव्स है ना उसको अलग अलग डिटेल के साथ बनाओ। मतलब बहुत केव के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, हिंदू केव्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ और जैन केव्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ। क्योंकि ये इतने मतलब बड़ा वीडियो बन जाएगा ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। इतना बड़ा वीडियो मतलब मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा वीडियो बनाना चाहिए। मुझे हर केव्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट केव है बौद्ध केव जो जिसे हम देखेंगे और इस बौद्ध केव के वीडियो को यही ख़त्म करेंगे और नया वीडियो जैन हिंदू केव के साथ शुरू करेंगे। देखो यार ये भी एक वैसी सेम उधर था ना तीन मंजिली, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी तीन मंजिली जो खाना खाने के लिए यार लोगों को रुकने के लिए बौद्ध भिक्षु को रुकने के लिए जगह थी। तो अंदर जाके ज़रूर देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना भाई ये बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। देख रहे हो तीन मंजिली भाई, तीन मंजिली इमारत है ये जिसमें इधर से भी जा सकते हो ऊपर। ऊपर जाके क्या उधर से रोड है शायद, पहले ऊपर जाएंगे यार क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऊपर जाके देखेंगे क्या है फिर नीचे जाएंगे। देखो ये इधर से रास्ता है, रॉन्ग साइड घुस गया था भाई, रॉन्ग साइड है, इधर से नहीं रोड, इधर से जाएंगे। देखो ये सीढ़ियाँ, कुछ सीढ़ियाँ कट गई हैं भाई संभल के। हाँ ऊपर कुछ है नहीं भाई, मेरे को लगा ऊपर सीढ़ियाँ हैं। बाकी यहाँ से देखो इधर से तो चढ़ ही नहीं सकता आदमी। देखो यह नज़ारा देखो सामने, ये हॉल है पूरे। विशाल है भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी जगह अंदर है ना। बहुत बौद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति है सामने, बिल्कुल अंधेरे में दिख नहीं रही होगी। और हर यहाँ पे भी बौद्ध की मूर्ति भाई दिख नहीं रही है अंधेरे में। ये पहाड़ी करी बोलते ना वो है, पर सोने के लिए जगह है। बौद्ध भिक्षु ऊपर सोया करते थे और ये देखो मतलब उन जो सोते हैं ना उसके क्या यार कमाल है, कैसे तरह से बनाए गए सोते थे ऊपर बौद्ध भिक्षु। वाह यार मजेदार यार ये चीजें। ऊपर कैसे जाते यार, रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को, कहाँ से रास्ता है और से उधर सामने से शायद। ये इधर है सीढ़िया, हाँ यहाँ से ऊपर जाते हैं। हाँ ये सीढ़िया, ये सीढ़िया भी पुरानी है भाई। हाँ ये इधर से जाते तीसरे में, दूसरे में उधर से जाते हो, दूसरे में भी जाएंगे, ये तीसरे में जा रहे हैं अपन। मेरे ख्याल से ये फिर यही दूसरा है, यही दूसरा है हॉल है भाई, बड़े बड़े हॉल नहीं यही है, मतलब सेम मूर्ति है यहाँ पर भी। देखो यार सामने ये है भाई दूसरा मसला और यहाँ पर अंदर अभी लगा हुआ है, खोल सकते अपन। देखो ये है बड़ा सा हॉल जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते भी थे, रूम भी है और साथ में वो अपने बौद्ध जी का पूजन भी करते थे। ये सामने बौद्ध जी की मूर्ति और ये कुछ पहाड़े करी उनके साइड में, जो हर जगह पे हमने देखा है वो सेम वैसा ही है। अभी तीसरे मंजिले में जा रहा मैं, जो अपन ने देखे थे वो उसी का तीसरा मंजिला ही, वो 12 नंबर केव के स्केव्स का तीसरा मंजिला।
और ये तीसरे मतलब जो पहले मंजिले और दूसरे मंजिले के बीच का अंतर ना, जो गैप, जो फाउंडेशन क्या बोलते उसको, ये बहुत ज्यादा है भाई। और ये देखो, ये सामने ही एक खूबसूरत मूर्ति, वाह पाप 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 पाप, ये तो बहुत कमाल है भाई। रुको यार, अंदर से दिखाऊंगा ना, खुश हो जाएंगे आप देखकर। अंदर से बहुत खूबसूरत है, हर जगह पे मूर्ति है, देखो सामने भी मूर्ति, वाह यार भाई साहब, देखो हर मुद्रा में बौद्ध जी की मूर्ति है यहाँ पर। ये 12 नंबर केव है, हर मुद्रा में देखो, यहाँ पे मौन, यहाँ पे कुछ दूसरी अवस्था, यहाँ पर कुछ दूसरी अवस्था जिनके हाथ खराब हो चुके हैं, ये देखो मौन मौन, ये मौन मूर्तियां है सेम, देखो भाई यार, मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि अगर सोच लो मेरे पास, अगर मेरे शूटिंग ही करते रहे ना पागल के जैसा, 12 नंबर के अभी तो साला, सॉरी अभी तो देखो भाई, ये 12वीं गुफा का तीसरा मंजिला है और लोग नीचे से देख के चल जा रहे हैं, और नीचे के दोनों मंजिले पे कुछ भी नहीं है। जितना मेरे ख्याल से मैंने पहली गुफा से लेके बौद्ध केव्स में, पहली गुफा से लेके 12वीं गुफा में देखा ना, सबसे अच्छी गुफा मुझे ये 12वीं गुफा का तीसरा मंजिला लगा, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बने हुए भाई साहब, और लोग इतनी ज्यादा भीड़ नीचे से ही वापिस चली जाती है यार, कमाल है। इतना दूर तक आते और इतना अच्छा नज़ारा देख नहीं पाते हो। तीसरे नंबर मतलब तीसरा मंजिला बहुत ही खूबसूरत है, अगर तुम आ रहे हो एलोरा केव्स देखने तो भाई साहब 12वीं गुफा का तीसरा मंजिला जरूर देखना। और रही बात ये वीडियो की, तो भाई साहब ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है भाई ये बौद्ध केव्स का। और अगर मैं सोचूं कि एक ही वीडियो बनाऊं केव्स के बारे में तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, जो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यार ये वीडियो पे यही बौद्ध केव्स के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नया वीडियो शुरू करेंगे आगे के केव्स से, जो हिंदू केव्स के बारे में रहेंगे। तो मिलते हैं अगले केव्स के वीडियो में। और मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने अभी शर्ट बदल लिया भाई, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मुझे, और मैंने पहनी थी उड़ी, जो भाई मेरे को उड़ा उड़ा कर गर्म कर रही थी। तो चलो अब उतर रहा हूँ मैं यहाँ से।